आगमाबाद। तो मैं बहुत सोच रही थी कि हम क्या कर सकते हैं ताकि वो समाज, ये समाज के साथ जो अत्याचार हो रहा है बार बार, हाथरस में आपने देखा, यहाँ देखा, तो मैं सोच रही थी कि किस तरह से हम एक ऐसा संदेश भेज सकते हैं कि ये वाल्मीकि समाज अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा और मजबूती से लड़ेगा और इस तरह के अत्याचार सहेगा नहीं। तो मैंने काफ़ी चर्चा की है समाज से, कुछ 4-5 दिन भी एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था कुछ दिनों पहले भी समाज से चर्चा करने के लिए, और मैंने इनसे पूछा है कि यहाँ चुनाव लड़ने के लिए अपने ही समाज से एक नाम मुझे दें जो उनकी तरफ से कांग्रेस का उम्मीदवार बन सके, ताकि एक पूरे प्रदेश में और देश में संदेश जाए कि आपने हमारे साथ इस तरह का अत्याचार किया, हम मजबूती से अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।